कभी कभी किसी की सुबह खराब करने के लिए खुद के रात की कुर्बानी देनी पड़ती है। वो विजयवा का आदमी कोला मंडी में कब्जा जमाने पहुंच गया है। मादर चोद, इसका जनाजा निकालूंगा आज मैं। वो सुन के गांव फट रहा है तुम्हारा। चिंगारी लगा दी है मैंने, धमाका किसी भी वक्त सुनाई देगा। हेलो दोस्तों, फिल्म एक्सप्रो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट इंडियन सस्पेंस क्राइम थ्रिल वेब सीरीज, जिनके कॉन्सेप्ट बेहद ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। जिनमें से कुछ सीरीज ऐसे भी हैं जिन्हें आप अपने फैमिली के साथ देखना अवॉइड करिए तो ही बेहतर होगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप इन सभी सीरीज को बिल्कुल फ्री में, वो भी एमएक्स प्लेयर से ही देख सकते हो। और लिस्ट में सभी सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, जिनमें से 5 सीरीज की तो आईएमडीबी रेटिंग 8 से ऊपर की ही है। और नंबर 1 वाली सीरीज को तो आप इंडिया का मनी हाइट भी बोल सकते हो। तो अगर आप इस लिस्ट की किसी भी सीरीज को मिस करना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। आज के इस लिस्ट में नंबर 10 के प्लेस पे है शिक्षा मंडल, जिसमें स्टोरी फोकस करती है दित्या नाम के एक ऐसे टीचर की जो कि खुद का कोचिंग सेंटर चलाता है। पर उसकी लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब उसकी बहन अपने नेट के एग्जाम के दिन ही गायब हो जाती है। और अपनी बहन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे मेडिकल इंडस्ट्री में चल रहे एक बहुत बड़े धांधली का पता चलता है। तो आखिर उसके बहन के गायब होने के पीछे किसका हाथ है, एजुकेशन सिस्टम में चल रही है बहुत बड़े घोटाले से उसका क्या कनेक्शन है, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखनी होगी, जिसे आईएमडीबी पे 6.6 की रेटिंग मिली हुई है। और ये एमएक्स प्लेयर पे 9 एपिसोड के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अबे फटे निरोध के नतीजे, जो ये चूतियों की फौज इकट्ठी की हो ना, पहले इनको लंड खड़ा करना सिखा। नेक्स्ट सीरीज है ट्रू इवेंट पे बेस्ड रक्तांचल, जिसकी स्टोरी बेस है 1980 के दशक के पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश की, जहां पर पूरे शहर में वसीम खान के एक बाहुबली का दबदबा है। और वहीं दूसरे और विजय सिंह अब शहर में अपना दबदबा बनाना चाहता है और वसीम खान को जड़ से मिटाना चाहता है। और क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता या नहीं, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखनी होगी। तो अगर आप गैंग ऑफ वासीपुर और मिर्जापुर जैसे बेहतरीन वेब सीरीज की यादों को एक बार फिर से ताजा करना चाहते हो तो इस वेब सीरीज को एक बार देखनी तो बनती ही है, जिसमें सेक्स, वायलेंस और हां ढेर सारी गालियां भर भर के गई है। तो प्लीज फैमिली के साथ देखने की गलती तो गलती से भी ना करें, जिसे आईएमडीबी पे 6.8 की रेटिंग मिली हुई है। बाबा जी की सदा ही जय हो। आपके अंदर जो भगवान है उसे दुनिया के सामने निकाल के रखूंगी। अगली सीरीज है आश्रम, जिसके अब तक टोटल बैक टू बैक 3 सीजन आ चुके हैं। और इसके फर्स्ट सीजन 28 अगस्त 2020 में आई थी। स्टोरी फोकस करती है कैसे ढोंगे बाबा की, जो कि धर्म के आड़ में सारे अनलीगल काम करता है। वो लोगों के सामने परमाता बनने की एक्टिंग तो काफी अच्छी कर लेता है, पर वो रियल लाइफ में किसी दानव से कम नहीं, जो कि अपने आश्रम में सारे अनलीगल धंधों को चलाने के साथ साथ खूबसूरत लड़कियों से अपने जिस्म की भूख मिटाने का काम भी करता है। सीरीज में यही देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि ढोंगे बाबा का असली चेहरा लोगों के सामने आ पाता है या नहीं, और आ पाता है तो आखिर कैसे, जिसे 7.2 की बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। आप लोगों को जो करना है करिए, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, अब मुजफ्फरनगर में ऐसा ही होगा। लिस्ट में अगले नंबर 7 के प्लेस पे है सस्पेंस क्राइम थ्रिलर पे बेस्ड भोकाल, जिसमें स्टोरी यूपी के मुजफ्फरनगर पे बेस्ड है, जहाँ पे पूरे शहर में खून खराबा मारकाट एक आम सी बात बन गई है। और पूरे शहर में दो गैंग का राज चलता है और इसी गुंडे राज को खत्म करने के लिए एंट्री होती है एक आईएएस ऑफिसर नवीन सिखावत की, जो की गुंडो को उनके ही स्टाइल में निपटाना काफी अच्छे तरीके से आता है। अब कहानी में यही देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि क्या वो शहर के इस गुंडे राज को खत्म कर पाता है या नहीं, और हां तो आखिर कैसे, जिसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और आईएमडीबी पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है हेलो मिनी, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है और अब तक इसके टोटल बैक टू बैक 3 सीजन आ चुके हैं। स्टोरी फोकस करती है 22 साल की एक ऐसी लड़की की, जो कि कोलकाता से मुंबई आती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पर उसकी लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब मुंबई आने के बाद उसके पीछे एक स्टॉकर लग जाता है। आखिर वो मिनी से क्या चाहता है और इसके बाद मिनी की लाइफ कैसे बदल जाती है, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखनी होगी। और इस सीरीज को देखने से पहले मैं आपको एक वार्निंग जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो ही देखें, क्योंकि ये सीरीज बेहद ही ज्यादा बोल्ड होने के साथ सेक्सुअल सीन से भरी पड़ी है। और आईएमडीबी पे इस सीरीज को 7.9 की रेटिंग मिली हुई है। लिस्ट में अगले नंबर 5 के प्लेस पे है एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सीरीज कार्टल, जो कि एक एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसकी स्टोरी मेनली मुंबई शहर के 5 गैंगस्टर के ऊपर बेस्ड है, जो कि अपने अपने एरिया में राज करते हैं। और इन सभी गैंग को लीड करती है रानी माई, जिससे सभी डरते हैं, पर पावर की लालच तो हर किसी में होती ही है। और फिर रानी माई की एक दिन मर्डर कर दी जाती है। आखिर ये मर्डर किसने और क्यों की है, और क्या रानी माई के फैमिली वाले उस मर्डर का पता लगा पाते हैं नहीं, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखनी होगी। और इस सीरीज में भी काफी जगहों पे अडल्ट सीन के साथ गालियां भी डाली गई है, तो अपने फैमिली के साथ देखने की नहीं गलती करे तो ही बेहतर होगा, जिसे आईएमडीबी पे 8.0 की काफी अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। Trenches laying low on the fact, ready for attack.
नेक्स्ट सीरीज है 8.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ क्राइम ड्रामा पे बेस्ड धारावी बैंक, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है धारावी में एक बहुत ही पावरफुल इंसान की, जिसके लीड रोल में है सुनील सेठी, जिसके हाथ में पुलिस से लेकर नेताओं का भी कब्जा है। वहीं दूसरी पार्टी के कुछ लोग शहर में अपना दबदबा फैलाने के लिए उसे मरवाना चाहते हैं। और सीरीज में विवेक ओबेरॉय जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में है, उनका इन सब के पीछे क्या हाथ है, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखनी होगी, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे आप बिल्कुल फ्री में एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हो। नेक्स्ट सीरीज नंबर 3 के प्लेस पे है 8.4 की काफी बेहतरीन रेटिंग के साथ समांतर, जिसके अब तक टोटल बैक टू बैक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक ऐसे इंसान की जिसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, वो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता है पर उसके साथ बुरा ही होता है। तभी उसका फ्रेंड उसे एक बाबा के पास जाने की सलाह देता है, पर बाबा के पास जाने के बाद उसकी लाइफ में एक न्यू ट्विस्ट आती है और उसे ये पता चलता है कि उसकी हाथों की लकीर की रेखा एक सुदर्शन चक्रपाणि नामक इंसान से बिल्कुल हूबहू मिलती है। आखिर ये सुदर्शन चक्रपाणि है कौन और इसके पास्ट में क्या क्या हुआ है, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखनी होगी, जिसकी कॉन्सेप्ट वाकई बेहद ही इंटरेस्टिंग और कमाल की है, जिसे आप बिल्कुल फ्री में एमएक्स प्लेयर से ही देख सकते हो। जो काम दस बंदूक नहीं कर सकती ना, वो काम ढलता पल्लू कर सकता है। तुम अलकाय मदद पाजे किसी की मौत। अगली सीरीज है क्राइम थ्रिलर पे बेस्ड बेहद ही इंटरेस्टिंग सीरीज एक थी बेगम, जिसकी स्टोरी की शुरुआत जहीर नाम के एक ऐसे पावरफुल गैंगस्टर से होती है जो कि पूरे मुंबई में राज करता है, पर वो दिल का काफी अच्छा होता है, इसलिए ड्रग्स जैसे घटिया चीजों को वो मुंबई से दूरी रखना चाहता है। और बस यहीं से शुरू होती है ड्रग्स माफिया मकसूद और जहीर के बीच की दुश्मनी, और मकसूद एक काफी तगड़ा प्लान बनाकर जहीर को धोखे से मरवा देता है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब जहीर की पत्नी अपने पति का बदला लेने के लिए खुद मैदान में उतरती है। भले ही उसे बंदूक चलाना उतने अच्छे से नहीं आता, पर वो अपने हुस्न के जलवे से अच्छे अच्छों को पानी पिलाना अच्छे से जानती है। और अब कहानी में यही देखना काफी इंटरेस्टिंग रहा कि आखिर वो अपने पति का बदला कैसे लेती है। सीरीज में कुछ जगहों पे अडल्ट सीन के साथ भारी भरकम गालियां भी डाली गई है, तो अपने फैमिली से थोड़ी दूरी बनाकर ही देखे तो ही बेहतर होगा, जिसे आईएमडीबी पे 8.7 की काफी अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। पुराणों में रूप बदलने वाले को छलिए कहते थे और कलयुग में उसे कौन मैं। और हमारे आज की इस लिस्ट में नंबर 1 की प्लेस पे है 8.9 की काफी बेहतरीन रेटिंग के साथ एक दमदार सी सीरीज मत्स्याकांड, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है मत्स्या नाम की एक ऐसे सातीर चोर की जो कि खून खराबा लड़ाई झगड़े के बजाय अपने दिमाग से ही काम लेता है और रूप बदलना तो उसके पास एक बाएं हाथ का खेल है। सीरीज की कॉन्सेप्ट वाकई बेहद ही अमेजिंग है और काफी यूनिक सी है। सीरीज देखते वक्त ये आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगी इतने दमदार सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में देख रहे हो, और ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखें। तो फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वेब सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आए होंगे, पर इस लिस्ट की कौन सी वेब सीरीज आपको सबसे अच्छी लगी है मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ ऐसे कैसे दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।